हाँ भाई जान। अस्सलाम अच्छा वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आ गए जी, उवैस भाई, आइए कैसे हैं जी? जी। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आप लोगों की। बहुत नाम सुना आपका कि आप बहुत इस इलाके के बड़े बिजनेसमैन हैं बस अल्लाह का करम है। जी। ये वही है भैया। हाँ जो बता वाले, रहे थे आप हाँ वही वाले हैं। रिश्ते के लिए। हाँ बहन के लिए आए अपनी। अच्छा, जी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा जी लगा जी मुझे। और ये मेरे कजन है, जी तो एक ही बहन है हमारे, तो जी जी मास्टर। उसी के रिश्ते के सिलसिले में यहाँ पर आना हुआ। आप तो कहीं बाहर काम करते हैं ना? जी, मैं मलेशिया में काम करता अपना इंडिया छोड़ के आप मलेशिया में हो, अल्लाह का शुक्र है यहाँ तो सब कुछ है। हूँ। हाँ नहीं है, कुछ मजबूरी है मजबूरी? जी, थोड़ा बिजनेस मेरा वहां पर बहुत अच्छा है। बिजनेस का तो ऐसा है जैसा आपका दिल है यहाँ इंडिया में, तुम्हारी दुआ से नाम है हमारा भी। जी, हाँ नहीं माशाल्लाह लग रहा जी, आपने बहुत अच्छा, आपका अच्छा बिजनेस है, चलिए आपने आप। बहुत अच्छा मकान बना रखा। बहुत खुशी हुई सर आपसे मिलके। जी, और बस क्या मैं बोलूं आपसे, छोटी बहन है मेरी अच्छे। और बड़े बड़े नाजों से पाला जी मैंने अपनी बहन को। मैंने अपने लड़के को बढ़िया नाजों से पाला। हमने अपनी बहन को बहुत प्यार से पाला जी। हमने क्या गुस्से से पाला, हमने भी बहुत प्यार से पाला। जी, जी हाँ, वो मतलब वही कहने का मतलब है कि हम अपने बच्चों को प्यार से ही पालते जी हैं। जी प्यार से ही पालते हैं। अपने बच्चे की एजुकेशन बताएं एजुकेशन? जी। भाई साहब कॉलेज में पढ़ता था, डबल MA कर रखी है, मॉडलिंग कर रखी है। अच्छा बड़ा खूबसूरत बच्चा मेरा। जी, जब कॉलेज जाता था ना क्यों, तो मुंह छुपा के जाता था। किस लिए? हाँ कॉलेज में लड़कियां पीछे लग जाती थी उसके। यानी ज्यादा अल्लाह ने नूर दे रखा है, जी बहुत खूबसूरत नूर दे है रखा माशाल्लाह। हैंडसम जी। हैंडसम बहुत। अच्छा, हैंडसम है। जी ओके, जी मैं तो इस टाइम बहुत खुश हूँ सर जी, आपकी ये बातें सुन के कि आपका बच्चा इतने काबिले तारीफ है। बहुत। कॉलेज में भी जाता था तो मुंह छुपा के जाता था, और इतना मॉडलिंग कर रखी है, इतना जी हैंडसम है, और माशाल्लाह से ऊपर से आपका जो काम। अच्छा, आप बाप ऐसा है तो सच में आपकी पर्सनैलिटी भी कोई कम नहीं है सर जी। हाँ वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हाँ भाई साहब। हाँ उसके मैं बिल्कुल बता तो रहा हूं, उसके तो गार्ड भेजने पड़ते थे पीछे। अच्छा। जी एक एक मिनट सर जी, हाँ हाँ बिल्कुल। बाऊगेस भाई मजा आ गया यार, इतना हैंडसम और इतना करोड़पति यार, तुमने मेरी बहन के लिए जो रिश्ता ढूंढा, मैं ये जिंदगी भर एहसान नहीं भूलने का यार। मैंने तुमसे कहा था ना हाँ, जबरदस्त है। हाँ यार बस दुआ करो ये रिश्ता पक्का हो जाए। तुम बाप को देख लो, बाप कितना अरे खूबसूरत बाप तो देख लो तुम, बिल्कुल है। हाँ ऐसा लग रहा है जैसा सन्नी देओल हो, हाँ लड़का के वहां हो। लड़का भी बढ़िया होगा। बढ़िया। बात करते हैं लेन देन की बात। बहुत अच्छा लगा सर जी आपका घर भी, और आपका जो व्यवहार सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके बच्चे की तारीफ सुन के बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये आपका बेटा करता क्या है, बिजनेस क्या है आपका सर? बिन पायलट है बच्चा मेरा एक मिनट सर जी। भाई साहब। अरे उवैस भाई, कैसे चुकाऊंगा ये एहसान, कैसे चुकाऊंगा? पायलट मैं ये पायलट तो करा, मैं कैसे चुकाऊंगा यार, तुमने तो मेरी किस्मत खोल दी। सुनते लो, सुनो तो। इनके सामने तुमने बिल्कुल भी कच्ची बात नहीं करनी। नहीं हाँ ना जी, ये तो बहुत और भी खुशी की बात है सर जी, आपका बच्चा पायलट है और मॉडलिंग कर रहा है। नाम भी मेरा उसने रोशन कर रखा, और इसीलिए मैंने उसका नाम भी रोशन रखा। रोशन, जी रोशन एक मिनट सर जी, एक। रोशन अरे उवैस भाई, रोशन तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलने का यार, नाम कितना अच्छा, रोशन 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 कर रखा इनका नाम ना। पायलट।
पायलट रोशन करोड़पति, अरे यार मैं तो कसम से भाई नहीं भूलने का तुम्हें जिन। बहुत अच्छा लगा सर जी मुझे तो ये सब बातें सुन के कि आपके बच्चे का नाम रोशन है और आपकी आपकी पर्सनैलिटी से मुझे लग रहा कि मेरी तो भाग खुल गई जी, ये रिश्ता मुझे पक्का मंजूर है जी, 100% मंजूर है साहब। सर 3 करोड़ रुपए उसके हिस्से में मैं देने वाला हूँ उसे। 3 करोड़? हाँ 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उसके नाम करूंगा। एक मिनट सर जी भाई साहब यही कर ले। अरे उवेश बिचौलिया भाई कसम से मैं तो तुम्हारा एहसान नहीं भूलना का, मेरी बहन के तुमने भाग खुलवा दिए। तुमसे कहा था ना मैंने मैं भाग खुलवा दिया, मैं जिंदगी भर ये एहसान नहीं भूलने का बिचौलिया भाई कसम से। पैर पैर पकड़वा दो यार, पैर पकड़वा दो, थोड़े से पकड़ लू थोड़े से भाई। रोशन रोशन सच में सर जी मैं मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, बस मुझे ज्यादा मुझे पलकों पे मत बिठाओ, मुझे नहीं, कुछ हार्ट अटैक भी आ सके। नहीं नहीं आप बेफिक्र रहे हैं, ना मुझे कोई दहेज चाहिए ना कुछ, 3 करोड़ रुपए लड़के को दे रहा हूँ। मेरी बहन की किस्मत खोल दीजिए आप। भाई साहब एक मिनट आ जाऊ, एक मिनट। उवेश भाई मैंने यूं सुना इसकी बहन जो है ये जो आए हुए हैं बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है उवेश भाई, तुम मेरा ये रिश्ता पक्का करवा दो मेरे बच्चे का। तुम्हारी BMW पक्की बिल्कुल बिचौलिया के रूप में। BMW बिल्कुल ठीक है करवा दो बस। चलो हाँ ठीक है ठीक भाई साहब, तुम्हारा जो ये बिचौलिया है जी, हमारे जी। इनके लिए मैंने एक BMW का इंतजाम करवा दिया बिल्कुल। अरे सर जी अरे वाह, तुम्हारे भी नसीब खुल गए सर जी। अजी मुझे रिश्ता पक्का है जी, बिल्कुल बिल्कुल पक्का है जी। बस जरा सा बुरा ना माने तो एक बात कहूँ कि थोड़ा लड़के को देख लेते तो थोड़ा लड़का तो दिखा देंगे थोड़ा नाश्ता वास्ता। नहीं नहीं मेरा मेरा पेट भर गया खुशी से, मेरा पेट भरा हुआ जी। बुलाता हूँ बुला लो बुला। रोशन बेटा पक्का है जी रिश्ता, बिल्कुल पक्का 100%। मालिक गाड़ी मैंने धो दी है, बगीचे में पानी डाल दिया है, अब मैं घर जाऊं। हाँ हाँ जाओ। ओके सर ये तो हमारा नौकर था। नौकर? हाँ रोशन तो मेरा बेटा आने वाला है अब। हाँ एक मिनट सर एक मिनट वेश भाई जिसका नौकर इतना हैंडसम, रोशन बहुत खूबसूरत है। कहीं मेरा दम ना निकल जा, मेरी बहन का तो भाग खुल गया। रोशन बेटा कहाँ रह गए, आ जाओ। भेज दो रोशन को भेज दो। रोशन हाँ हाँ रोशन को भेज दो, सफाई वाला भी खेल। रोशन भेज दो भाई, रोशन को भेज दो भाई, यही रोशन है। तुम्हारा लड़का किधर है रोशन? यही रोशन है मेरा बच्चा, मेरा लाल। मजाक कर रहे ना हैं? मजाक कर रहे ना सर जी आप? सर जी यही मेरा बेटा है रोशन। यो रोशन, हाँ इसने मेरा नाम रोशन कर रखा। अबे बिचौलिया तेरा हो जा साले चील जैसा मुंह। भैया रिश्ता तो पक्का समझू? तू तेरा होता बेड़ा गरक, तेरा होता चील जैसा मुंह, तेरा होता उल्लू जैसा मुंह, मैं तुम्हें सदम न्याय परेशान करते हुए गरीब आदमी को। अबे यो रोशन है, यो रोशन है,
अब अल्लाह से डर लो, अल्लाह का चांद का था बच्चा, अब अल्लाह का खौफ खा ले तू, काले कौवे, अब अल्लाह का खौफ खा ले तू, काले कौवे, अब ये रोसन है।